हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एकदम हलवाई स्टाइल मावा बर्फ़ी। मैंने आपको पहले मिल्क पाउडर से बर्फ़ी बनाना भी बताया है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो देखिए, ये एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होंगी। ये मैंने लिया है मावा, 300 ग्राम के करीब ये मावा है, ये होममेड है। आप चाहें तो मार्केट का भी ले सकते हैं, और ये एकदम फ्रेश है तो ये सॉफ्ट भी है बिल्कुल। और ये मैंने ली है, एक कटोरी के हिसाब से मैंने ली है चीनी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इस रेसिपी में हमें और ज़्यादा कुछ नहीं डालना है, बस गार्निशिंग के लिए आप चाहें तो पिस्ता, बादाम, काजू, जिससे भी गार्निश करना चाहें कर सकते हैं। मैंने कढ़ाई ले ली है और इसमें मैं डाल दूँगी ये चीनी, इसके साथ ही बहुत थोड़ा सा पानी। और अब हम चीनी को मेल्ट होने देंगे। आपने देखा कि चीनी बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, इधर चीनी काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। आपने देखा कि पहले से बहुत ही गाढ़ी हो चुकी है। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी ये मावा। और मावा डालने के बाद भी हमें इसे लगातार चलाते रहना है। चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं, तो अब मैं इसमें डाल दूंगी इलायची पाउडर। ये ऑप्शनल है, हालांकि बर्फ़ी में कोई ज़रूरी नहीं है कि डालें, लेकिन मुझे इसका फ्लेवर पसंद है तो इसलिए मैंने डाल दिया है। और अब हमें इस मिक्सचर को थोड़ा गाढ़ा कर लेना है, बस थोड़ा सा हमें इसे गाढ़ा और करना है, उसके बाद फिर हम इसे जमाएंगे। तो वापस से इसे छोड़ देती हूँ पकने के लिए। इस मिक्सचर को पकते हुए लगभग 15 मिनट हो चुके हैं, तो बस अब मैं गैस बंद कर दूंगी। पहले से ही गाढ़ा भी हो चुका है, और गैस बंद करके अब हम इसे ठंडा होने देंगे कम से कम 10 मिनट के करीब। हमें इसे बहुत हल्का सा गुनगुना, जब ये रह जाए तब इसे जमाना है। अभी तो ये बहुत गर्म है, अगर मैं इस टाइम ही डाल दूंगी तो ये जम नहीं पाएगा। तो अभी से 10 मिनट के लिए मैं चलाती रहूंगी, क्योंकि कढ़ाई भी काफ़ी गर्म है। मिक्सचर को रखे हुए लगभग 10 मिनट हो चुके हैं, और पहले से थोड़ा ठंडा भी हो चुका है, तो अब हम इसे जमाते हैं। मैंने केक टिन ले लिया है, और इसमें मैंने लगा लिया है बटर पेपर, और उसके ऊपर मैंने लगा लिया है घी, हल्का सा ग्रीस कर लिया है इसे। आप चाहें तो किसी बॉक्स में या थाली पर भी इसे फैला सकते हैं। और अब मैं ये मिक्सचर डाल दूंगी। और इसके बाद मैं इस पर डाल दूंगी थोड़े से पिस्ता। आप चाहें तो बादाम, काजू, जो चाहें वो डाल सकते हैं। और बस अब हम इसे सेट होने के लिए छोड़ देंगे 2 से 3 घंटे के लिए, उसके बाद फिर हम इसे कट करेंगे। इधर मिक्सचर को रखे हुए लगभग 2 घंटे के करीब हो चुके हैं, तो चलिए अब हम इसे कट कर लेते हैं। मैंने इन्हें कट कर लिया है, तो चलिए चलते हैं अब इन्हें सर्व करने की प्रोसेस में। देखिए, हमारी बहुत ही टेस्टी सी ये बर्फ़ी बनकर तैयार हैं। मैं आपको एक उठाकर दिखाती हूँ, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट सी हमारी बनकर तैयार हुई हैं, बहुत अच्छी लगती हैं खाने में, बहुत अच्छा इनका टेस्ट होता है। तो चलिए, वीडियो और रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव।